हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पर मैंने बनाया एक रिचार्जेबल टेबल फैन और फ्रेंड्स मैंने इसको पीवीसी पाइप से बनाया है और ये काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है और आप इसे रिचार्ज करके 2 से 3 घंटे तक यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसे एडजस्ट भी आप कर सकते हो और इसे कैसे बनाता है इसका पूरी डिटेल्स मैंने वीडियो पर दिखाई, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक पीवीसी पाइप और फ्रेंड्स मैंने इसको पहले से कटिंग करके रखा था और फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया। इसको हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने इसको कटिंग कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक पीवीसी पाइप का सीट और फ्रेंड्स मैंने इसको मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करके रखा था और ये कुछ इस प्रकार से फिक्स होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम फेविक्विक के साथ से अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए एक SPST स्विच और फ्रेंड्स ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर इजीली मिल जाएगा और मैं इधर जितना भी कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए एक चार्जिंग कनेक्टर, उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। इसके साथ हम कनेक्टर का वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव वायर्स को पॉजिटिव पिन में और नेगेटिव वायर को नेगेटिव पिन में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने मॉड्यूल को कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए लिथियम आयन बैटरी। मैं इधर 2 लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहा हूँ और इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दोनों नेगेटिव पिन को एक साथ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव पिन को एक साथ। तो इसको हम मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इधर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन दिया है, तो उधर हम पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वायर को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये था इसका कनेक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए एक वायर। इस वायर को हम मॉड्यूल के पॉजिटिव पिन के साथ सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद इस वायर को हम स्विच के एक पिन पर सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए वायर। पॉजिटिव वायर्स को हम स्विच के दूसरे पिन पर सोल्डिंग कर देंगे। नेगेटिव वायर को मॉड्यूल के आउटपुट के नेगेटिव पिन पर सोल्डिंग करेंगे। और फ्रेंड्स ये रहा इसका 5 वोल्ट आउटपुट का वायर। उसके बाद फ्रेंड्स इस मॉड्यूल को अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स बैटरी को भी अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इस सीट को भी लेंगे और वायर को इसके अंदर से ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम फेविक्विक के साथ इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का पाइप और फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होता है। इसे हम 17.5 सेंटीमीटर पर दूरी पर मार्किंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अभी हम कटिंग काट देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसे हम सैंड पेपर के साथ घिस के रफ बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसका मिडिल पे कटिंग कर लेंगे और फ्रेंड्स देख सकते हो ये 2 पीसेस में बन गया है। और फ्रेंड्स इस तरह का कुछ मैं पीस ले रहा हूँ और इसके मिडिल पे मैंने होल कर दिया और इसे हम कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसे हम कुछ इस प्रकार से फिक्स कर दिया और फ्रेंड्स दूसरा पीसेस को भी लेंगे और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे।
और फ्रेंड्स देख सकते हो मैं कुछ इस पकड़ सा छोटा छोटा स्क्रू ले रहा हूँ और इसे हम फिक्स कर देंगे कुछ इस पकड़ से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने कुछ इस पकड़ से फिक्स कर दिया और आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसके अंदर से वायर्स को ले जाएंगे और उसके बाद इसे फिक्स कर देंगे। तो मैं इसको फिक्स करने के लिए ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा डीसी मोटर और फ्रेंड्स ये आपको टॉय कार वगैरह से आसानी से मिल जाएगा। इस मोटर को हम इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस वायर को मोटर की पॉजिटिव पिन पर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वायर को मोटर की नेगेटिव पिन पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए एक प्रोपेलर। इस प्रोपेलर को हम मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो चार्जिंग हो रहा है, इधर रेड एलईडी जल गया। तो फ्रेंड्स आप इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और आप भी लो बजट में ऐसा फैन बना सकते हो। अभी भी थोड़ा बहुत गर्मियां हैं तो आप इसे चार्ज करके इजीली 2 से 3 घंटे तक यूज कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों को ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।